वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है विनोद और पीछे हैं प्रमोद भाई। हम लोग आए हैं उदयगिरी, यहाँ पे आईसर 485 का एक रिव्यू शूट करने आए हैं और ट्रैक्टर पीछे है, भूसा लेके आ रहा है। तो हम भी थोड़ा पीछे जाते हैं, उसका फॉलो करते हुए कुछ सीन शूट करेंगे। उसके बाद यहीं पर ये फार्म हाउस है, ये फार्म हाउस आपको मैं दिखा रहा हूँ, और यहीं पर होगा उसका रिव्यू शूट। और किसान से जानेंगे कि कैसा लगा उनको ट्रैक्टर, ये नए मॉडल का ट्रैक्टर, इसका साइलेंसर और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया है, वो सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये वीडियो आएगी प्रमोद लाइव मेन चैनल पर। तो बाकी की और घूमने फिरने की इधर उधर की फुटेज जो हम साथ में करेंगे वो आपको इस पे देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली एक ब्लॉग है, तो बने रहिए हमारे साथ। आप क्या क्या करेंगे इसमें, जो बिहाइंड द सीन्स होंगे वो भी दिखाएंगे और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, कुछ सीनरीज दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं पीछे क्योंकि ट्रैक्टर आने ही वाला है। तो चलिए, ये जो फार्म हाउस आप देख रहे हैं यहाँ पे होगा हमारा रिव्यू शूट, ट्रैक्टर आने वाला है, ये किसान का ही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रैक्टर के पास क्योंकि ट्रैक्टर आने ही वाला है, बस थोड़ी दूरी पर है। और पीछे प्रमोद भाई बैठे हैं, मैं स्कूटी चला रहा हूँ। हम जा रहे हैं अभी जुपिटर से, तो बाकी आपको आगे का नज़ारा दिखाएंगे प्रमोद भाई। आई होप यू गाइज एंजॉयड द राइड। तो फार्म हाउस से चलकर अभी हम आ गए हैं उदयगिरी की गुफाओं को पार करते हुए चरण तीर्थ के पुल, मतलब मेन चौराहा गई है, तरह गई, यहीं से ट्रैक्टर गुजरेगा। तो वेट कर रहे हैं ट्रैक्टर का, जब तक आप पीछे देख सकते हैं ये है चरण तीर्थ के पुल, मतलब विदिशा का काफ़ी पुराना पुल, ये नया बन चुका है फिलहाल में, छोटा पुल उसके पास में है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो जब तक हम वेट कर रहे हैं आप देखिए ये सीन्स एंजॉय कीजिए। यह है चरण तीर्थ घाट और यह है शानदार नज़ारा दूसरी तरफ का, आपने देख ही लिया है। और दूसरी तरफ है मज़ार नदी के इस घाट पे। जैसा कि अभी आपने देखा, घाट के दोनों ही साइड बहुत ही शानदार मंदिर बने हुए और पास में ही है मज़ार। तो धार्मिक एकता भी आपको देखने को मिलती है हमारे विदिशा में। नया पुल है, पुराना पुल भी मैं दिखा चुका हूँ, बहुत ही शानदार है। और लेकिन बहुत छोटा था, बहुत हाइट बहुत कम थी तो डूब जाता था जब अधिक बरसात होती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने नया पुल बना के दिया है जो अभी इसी साल चालू किया गया है। तो लाइट इस तरफ से पड़ रही है इसलिए आई होप कि मेरा चेहरा ठीक दिख रहा होगा, दूसरी तरफ से नहीं आ रही थी। तो आईसर 485 न्यू मॉडल आने ही वाला है, वेट करते करते मैंने सोचा आपको इधर उधर की चीज़ें दिखा दी। और रास्ते में जो आपने देखा वहाँ थी उदयगिरी की गुफाएँ। तो अब वापस जाते हुए और फुटेज हो सके तो दिखाऊँगा, लेकिन काफ़ी दिखा दिए। तो चलिए फिर, ट्रैक्टर आने ही वाला है, वेट करते हैं। तो आधा घंटा वेट करने के बाद ट्रैक्टर आ चुका है, अब करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और थोड़ी बहुत तो सेटअप वेटअप जमाते हैं। थोड़ा ट्रैक्टर गंदा हो रहा है तो इसको भी साफ करवाते हैं और उसके बाद शूटिंग करते हैं शुरू। तो रिव्यू देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और प्रमोस लाइव मेन चैनल पर रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी लंबा शूट होने के बाद शूटिंग हो चुकी है ख़त्म, आपको रिव्यू देखने को मिलेगा मेन चैनल प्रमोस लाइव पर। ये लगा हुआ है माइक बोया का BY-M1 और ये बाकी की व्यवस्था मेरी जिम में रखी हुई है और कैमरे से कर लिया है इसको डिसकनेक्ट। तो वीडियो को बनने में लगेंगे लगभग 2 दिन, आपको तीसरे दिन मेन चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अब ट्रैक्टर को गैरेज में वापस रखने का
समय हो गया है, देखिए ट्रैक्टर हो रहा है चालू और जाएगा अब गैरेज में। और पास ही में प्रमोद भाई, आप देख सकते हैं कैमरा लेकर, ट्रैक्टर का साउंड सुनिए। फिलहाल में मेरे पापा चला रहे हैं ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का साउंड जबरदस्त है। तो ट्रैक्टर जा चुका है गैरेज के अंदर। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। इसी तरह के कुछ छोटे मोटे ब्लॉग्स और ट्रैक्टर की अद्भुत जानकारियां हम लोग देते रहते हैं। और मेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, प्रमोद्स लाइफ। आप जो कर रखा है सब्सक्राइब वो रेगुलर जानते हैं, हम हर एक दिन छोड़ के एक वीडियो डालते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा रोमांच से भरी हुई होती हैं। खेती की सारी जानकारियां देने की भी हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं और इस तरह की कोशिश हमारी बरकरार रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। और इस वीडियो का रिव्यू, इस ट्रैक्टर का रिव्यू आप अगर आप देखना चाहते हैं तो मेन चैनल पर ही आएगा 2 दिन बाद। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।